देवरी नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते नगर में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। नगर में आमजन की सुविधा के लिए रखे जाने वाले प्रसादन के डिब्बे भी जंगलों में नजर आ रहे हैं। शासन द्वारा प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें देवरी नगर में भी नगर पालिका द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, पर नगर पालिका द्वारा साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिससे नगर की नालियां गंदगी से पटी पड़ी हैं। नगर में सफाई के नाम पर औपचारिकता की जा रही है। नगर की मुख्य सड़कों के किनारे कचरे का अंबार लगा हुआ है। सभी 15 वार्डों में सड़कों के दोनों ओर पुरानी अस्पताल के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है। नगर में स्थित सुलभ शौचालयों में साफ सफाई न होने के कारण गंदगी रहने से लोग सुलभ शौचालयों में जाने से कतराते हैं और खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। नगर के हृदय स्थल नगर पालिका चौराहा पर प्रसादन न होने के कारण खुले में जाने को मजबूर है। नगर पालिका द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए रखे जाने वाले चादरों से निर्मित प्रसादन नगर में कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि नगर में आम जनता की सुविधा के लिए रखे जाने वाले प्रसादन देवरी नगर से दूर जंगलों में पाए जा रहे हैं। कभी नहीं हुई नाली, देखो आप खुद कैमरा से देखो। हाँ, कभी साफ नहीं हुई। अच्छा, इस नगर पालिका में करी आपने? अभी तो नहीं करी, हम तो 181 की सोच रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं है कोई झाड़ू मारू लगाने? वो तरफ कितना कर है। हाँ, वो भर जाता पाने से पैसा भी दे दी के भाई ये 50 आपको हम खर्चा दे रहे। हाँ, फिर भी नहीं करे, देखो आप पूरे पाइप भरो। अच्छा अच्छा, आप नाली साफ नहीं हो रही, नाली बनवावे को आवेदन दाओ तो कछु भाव नहीं होती यार। हाँ, सरकार भी दी थी आवेदन दे दिया, वे कहता अब हो जाए। अच्छा, आओ अब कई चुनाव बाद हुई है, कछु सुनता ही नहीं, अपन गाय एक दूत है, अब कह रहे थे अब हो जाए, अब चुनाव बाद हुई है नाली बाद। नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ प्रचार प्रसार एवं कागजों में ही नजर आ रहा है। नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही कचरा गाड़ियां बाड़ों में ना पहुंचने के कारण लोग सड़कों के किनारे कचरा फेंक रहे हैं। स्वच्छता अभियान के नाम पर शासकीय राशि का बंडरबांट किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर पालिका द्वारा अभी नवंबर माह में हमने सारे पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट को रंगरोधन करवाया, पूरी मरम्मत करवाई और जो जो उनमें बेसिक आवश्यकताएं होती है सब करवाई, और ODF प्लस की टीम विजिट कर चुकी है और मुझे आशा है कि ODF प्लस का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा। अभी फिलहाल स्टार रेटिंग, 3-स्टार रेटिंग के लिए हम लोग प्रयासरत है, जिसका निरीक्षण दिसंबर में ही होना है और जनवरी फरवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आएगी। उसके लिए मुख्य रूप से जो कचरा कलेक्शन होता है डोर टू डोर, उसकी मॉनिटरिंग के हर घर से कचरा उठ रहा है और आगामी टाइम में कचरे को कम से कम 50% घरों में हम डिवाइड कर सकें कि ये गीला कचरा है, ये सूखा कचरा है और ये हानिकारक वेस्ट है। कंप्लेंट करें ना, कचरा गाड़ी डेली आने का प्रावधान है, हमें कंप्लेंट मिलती है हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, कंप्लेंट तो आना चाहिए, बाकी नाली साफ डेली नहीं हो सकती नाली। वहीं दूसरी तरफ बाजार बैठकी से भी जमकर उगाही की जाती है। नगर में फैल रही गंदगी आमजन को परेशानी का सबब बन रही है, तो बदलते मौसम में बीमारियां फैलने के आसार भी बढ़ रहे हैं। कचरे के बड़े ढेर बरसात के पानी के जमा होने का कारण भी बनते हैं, आवागमन बाधित करने के साथ बीमारी फैलाते हैं। मुख्य बस स्टैंड पर बना एकमात्र प्रसादन स्थल महीनों से साफ न होने से महिला यात्रियों को परेशान करता है। SGN न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट।